Hey everyone, welcome to Biology at East. तो हमारी दादी नानी स्टाइल रैपिड रिविजन सीरीज के अंडर आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ एक्सक्रीशन, जो कि हमारी लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का लास्ट पोर्शन है और सबसे छोटा सा पार्ट है, ठीक है। ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इसको एक्सप्लेन करने में। सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा, हम लोगों की बॉडी से सॉलिड वेस्ट का बाहर निकलना यानी कि पॉटी जाना इज नॉट एक्सक्रीशन। बहुत अच्छे से क्लियर कर दीजिएगा, पॉटी जाना इज नॉट एक्सक्रीशन, इट कम्स अंडर डेफिकेशन और डेफिकेशन डाइजेशन प्रोसेस का पार्ट होता है। डाइजेशन में आपने स्टेप्स देखे होंगे, इंजेशन ऑफ फूड दैट इज इनटेक ऑफ फूड, फिर उसके बाद फूड डाइजेस्ट हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ और फिर क्या हुआ, वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से रिलीज हो गए, जिसको हम इजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो पॉटी जाना इज कॉल्ड एज इजेशन और एक्सक्रीशन होता है बॉडी से यूरिन का रिलीज होना। इस चीज को अच्छे से क्लियर कर दीजिएगा। अब हम आते हैं एक्सक्रीशन के डेफिनेशन पे। व्हाट इज एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन रिफर्स टू द रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से वेस्ट मटेरियल का बाहर आना, वेस्ट मटेरियल रिलीज करने के प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। लेकिन ह्यूमन बींग्स में सॉलिड वेस्ट जो पॉटी होती है उसका बॉडी से बाहर निकलना डेफिकेशन होता है, इजेशन होता है जो कि डाइजेशन का एक स्टेप होता है, लेकिन यूरिन रिलीज करना इन केस ऑफ ह्यूमंस कम्स अंडर एक्सक्रीशन, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सक्रीशन एंड प्लांट्स। प्लांट्स में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो कि एक्सक्रीशन कैरी करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लीव्स की। लीव्स में क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा। हमने पहले भी पढ़ा था कि स्टोमेटा रेस्पिरेशन में भी हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो लीव्स में स्टोमेटा ही हेल्पफुल होते हैं आपके एक्सक्रीशन की प्रोसेस के लिए। प्लांट्स के केस में दिन में क्या होता है, दिन में फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा हुआ है कि ऑक्सीजन रिलीज होती है, यानी कि कोई चीज रिलीज हो रही है मतलब वो वेस्ट प्रोडक्ट है। तो फोटोसिंथेसिस का वेस्ट प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन। तो हम कह सकते हैं कि प्लांट्स के केस में दिन में ऑक्सीजन इज द वेस्ट प्रोडक्ट, और ये ऑक्सीजन कैसे रिलीज होती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू रिलीज होती है, ठीक है। और कहां से रिलीज होती है, स्टोमेटा की हेल्प से रिलीज होती है। अब क्या होता है, प्लांट्स सांस भी लेते हैं, रेस्पिरेशन भी होता है। ये रेस्पिरेशन डे टाइम में भी होता है और नाइट में भी होता है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में वेस्ट प्रोडक्ट होता है CO2। जब कोई सांस लेता है तो रेस्पायर करता है तो CO2 रिलीज होती है। अब चाहे दिन हो या फिर रात हो, CO2 इज द वेस्ट प्रोडक्ट इन केस ऑफ प्लांट्स भी और इन केस ऑफ एनिमल्स भी, ठीक है। अब क्या हो रहा है, देखो फोटोसिंथेसिस हम कह रहे हैं दिन में हो रही है, यानी कि दिन में ऑक्सीजन इज द वेस्ट प्रोडक्ट, और रेस्पिरेशन दिन में भी हो रही है रात में भी हो रही है, यानी कि प्लांट से CO2 दिन में भी रिलीज हो रही है रात में भी रिलीज हो रही है। दिन में जो CO2 रिलीज करता है प्लांट, वो CO2 फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूटिलाइज हो जाता है। फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 की जरूरत पड़ती है प्लांट्स को। तो ये CO2 कहां से मिलता है, एटमॉस्फेयर से तो मिलता ही है, लेकिन प्लांट ने जो रेस्पिरेशन के थ्रू CO2 रिलीज करी, वो रिलीज्ड CO2 ही फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि दिन में सिर्फ ऑक्सीजन इज द वेस्ट प्रोडक्ट इन केस ऑफ प्लांट्स, और रात में क्या होता है, रात में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है, यानी कि ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता है, सिर्फ रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। देयरफॉर CO2 इज द वेस्ट प्रोडक्ट इन केस ऑफ प्लांट्स एट नाइट, ठीक है। इस चीज को क्लियर कर देंगे, CO2 इज द वेस्ट प्रोडक्ट इन केस ऑफ प्लांट्स एट नाइट, वेयर एज ड्यूरिंग डे टाइम O2 इज द वेस्ट प्रोडक्ट इन प्लांट्स। और ये वेस्ट प्रोडक्ट कहां से रिलीज होता है लीव्स के केस में, स्टोमेटा से रिलीज होता है, ठीक है। अब हम अगर प्लांट की स्टेम की बात करें तो स्टेम में पोर्स प्रेजेंट होते हैं दैट आर नोन एज लेंटिसल्स। तो लेंटिसल्स हेल्प्स इन रिलीज ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द स्टेम पार्ट ऑफ द प्लांट्स। तो अभी तक क्या पढ़ा, कहां कहां से रिलीज हो रहा है वेस्ट प्रोडक्ट, स्टोमेटा इन लीव्स एंड लेंटिसल्स इन स्टेम। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट प्लांट क्या करता है, सॉइल में भी रिलीज कर देता है। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो कि प्लांट अपनी लीव्स में या फिर फ्रूट्स में स्टोर करके रखता है, और जब लीव्स प्लांट से गिर जाती है या फिर फ्रूट्स भी गिर जाते हैं, जब फ्रूट पक जाता है और वो गिर जाता है प्लांट से नीचे, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट भी फ्रूट के साथ साथ प्लांट से रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो इन शॉर्ट प्लांट्स कैसे अपना वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करते हैं, स्टोमेटा की मदद से, लेंटिसल्स की मदद से, आपकी सॉइल में वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करते हुए, आपकी शेडिंग ऑफ लीव्स एंड फेलिंग ऑफ फ्रूट से भी आपका प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म दैट इज अमीबा से। अमीबा क्या होता है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है जो कि अपने वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करता है अपनी सेल मेम्ब्रेन से। अमीबा क्या करता है, इसकी बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो सेल मेम्ब्रेन से बाहर आ जाता है। किस प्रोसेस से आता है, डिफ्यूजन से बाहर आता है, या फिर अमीबा के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल
कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नाम के सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है जो कि वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करने में हेल्पफुल होता है. बस आपको इतना याद करना है. इन केस ऑफ अमीबा द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इज कैरिड आउट बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू सेल मेम्ब्रेन और थ्रू कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल. ठीक है, इतना हो गया. अर्थवर्म की बात करें तो अर्थवर्म के केस में एक्सक्रीशन कैरी करने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं नेफ्रीडिया. तो इन केस ऑफ अर्थवॉर्म नेफ्रीडिया आर द एक्सक्रीटरी यूनिट्स. आपको इसमें बस इतना याद करना है, डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है. मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में या फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. बहुत अच्छे से विद डायग्राम आपको लर्न करना है. ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है ह्यूमन की बॉडी में जो नाइट्रोजनस वेस्ट बन रहा है दैट इज यूरिया. उस यूरिया को रिलीज करना है बॉडी से, इसीलिए ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम फंक्शन करता है. और ये यूरिया अलोंग विद एक्सेस सॉल्ट एक्सेस वाटर हमारी बॉडी से रिलीज होता है और फाइनल प्रोडक्ट बनता है यूरिन. द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन कंटेनिंग द टॉक्सिक सब्सटेंस यूरिया एक्सेस सॉल्ट एक्सेस वाटर बाय द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज नोन एज एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स. तो ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीशन क्या करता है, टॉक्सिक सब्सटेंस यूरिया को बॉडी से रिलीज करता है पानी और सॉल्ट के साथ साथ और फाइनल प्रोडक्ट बनता है आपका यूरिन. ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स होते हैं आपके अ पेयर ऑफ किडनी, यानी कि दो किडनी हमारी बॉडी में होती है. हमारी लोअर एब्डोमेन में किडनीज प्रेजेंट होती है, बैक साइड में लोअर एब्डोमेन में बीन्स के शेप की एक किडनी होती है, जैसे राजमा की दाल होती है ना उसी शेप की हमारी किडनी होती है. तो दो किडनी होती है. ठीक है, फिर आते हैं दो पाइप जिसे कि हम कहते हैं यूरेटर. उसके बाद आता है यूरिनरी ब्लैडर जिसके अंदर यूरिन स्टोर होती है, यूरेथ्रा जहां से यूरिन रिलीज होती है. ठीक है, अब क्या होता है, रीनल आर्टरी नाम की ब्लड वेसल होती है जो कि किडनी के पास डर्टी ब्लड लेकर आती है. इस डर्टी ब्लड के अंदर यूरिया प्रेजेंट है, खूब सारी सॉल्ट प्रेजेंट है, एक्सेस सॉल्ट जो कि डाइजेशन का वेस्ट प्रोडक्ट होगी वो प्रेजेंट है, एक्सेस वाटर प्रेजेंट है. ठीक है, अब किडनी के अंदर खूब सारी छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं जिन्हें कहते हैं नेफ्रॉन. तो नेफ्रॉन आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स. हमारी किडनी के अंदर, एक किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है. तो टोटल हम कह सकते हैं कि हमारे पास 2 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है, 1 मिलियन इस किडनी में, 1 मिलियन इस किडनी में. तो हर एक किडनी में 1 मिलियन छोटी छोटी यूनिट्स प्रेजेंट होती है नेफ्रॉन, जिनके अंदर डर्टी ब्लड प्योरीफाई होता है. रीनल आर्टरी डर्टी ब्लड को लेकर आई किडनी के पास, किडनी के अंदर नेफ्रॉन प्रेजेंट थे, नेफ्रॉन ने उस ब्लड को प्योरीफाई किया. जितना भी प्रोडक्ट था जिसे नेफ्रॉन को लगता था कि यूटिलाइज हो सकता है बॉडी में, जैसे कि कुछ अमाउंट की सॉल्ट कुछ वाटर, वो क्या होता है एब्जॉर्ब हो जाता है और रीनल वेन के थ्रू किडनी से बाहर निकल जाता है. ठीक है, अब ब्लड प्योरीफाई करने के बाद जितना वेस्ट प्रोडक्ट बच गया है जिसमें कि आपकी एक्सेस ऑफ वाटर एक्सेस ऑफ सॉल्ट और यूरिया है, वो यूरेटर से बाहर आ जाता है और यहां स्टोर हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर. कई बार आपने देखा होगा जब टॉयलेट लगती है तो लोअर एब्डोमेन में हमारा पेन होने लग जाता है, वो क्या होता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन भर जाती है और हमारा सेंसरी ऑर्गन हमारा ब्रेन कहता है कि भाई अब ब्लैडर बहुत ज्यादा फुल हो गया है, यूरिन रिलीज होने की जरूरत है. तो हमारी यूरिन यहां स्टोर होती है यूरिनरी ब्लैडर में और जिस वक्त हमारे माइंड ने इंस्ट्रक्शंस दे दिया यूरिनरी ब्लैडर को कि हाँ भाई अब यूरिन रिलीज कर दो, उस दौरान यूरेथ्रा से आपकी यूरिन रिलीज हो जाएगी. ये होल प्रोसेस होती है आपकी एक्सक्रीशन. द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ टॉक्सिक वेस्ट कॉल्ड यूरिया अलोंग विद एक्सेस ऑफ वाटर एंड वेस्ट सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन. तो यही था आपका एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एक्सक्रीशन इन एनिमल्स. इसके साथ हम लाइव प्रोसेस ऑफ चैप्टर को खत्म करते हैं. इसके नोट्स पीडीएफ में है, पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है. अब आने वाली वीडियोस में मैं आप सभी को हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगी. बाकी कुछ और टॉपिक के डिमांड है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, मैं फिलहाल उसी की वीडियो अपलोड करूंगी, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक इट मेक श्योर हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस. थैंक यू.